जी को, हम मोदी जी को लाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। हटो सामने से। इन्हीं नमूनों के वजह से आज तक अच्छे दिन नहीं आए और विकास का तो जनजे निकल गया। अच्छा हाँ, ये नमूनों का फर्स्ट स्टेज है, इससे भी बड़े बड़े नमूने भरे पड़े हैं हमारे देश में। मगर क्यों? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। और देश में जन्म ले लिए। और आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार है। चलो चलो जाके इलाज करो अपना। अरे भाई ये गांजा का असर है, जब आदमी गांजा फूक लेता ना तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता, फिर वो इसी तरह से उलझ जुल भागते रहेगा। गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगाने? इसको कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये करेंगे मोदी ही मोदी। लेकिन आगे जो है ना, इसका स्थिति खुद ही बताएगा, जरा वह देख लीजिए। हम मोदी जी से कहेंगे कि हम एक बेरोजगार लड़का है, हमें कहीं पर छोटा सा कहीं नौकरी लगवा दीजिए, उससे मैं बहुत खुश हूँ। हाथ दे भाई, इसको पते नहीं आया कि मोदी नौकरी देने नहीं बल्कि नौकरी छीनने आया, पूरा देश का सत्यानाश कर दिया और ये उसे नौकरी मांग रहा है। अरे भाई उसका कितनों चाटोगे ना, तब भी कम है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इकोनॉमी कोविड के आने के पहले से ही डाउनफॉल पर थी, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो अभी इकोनॉमी अभी पत्रकार महोदय को पते नहीं है कि जिनसे बतिया रहे ना वो टॉप लेवल के अनुभक्त है, और टॉप लेवल का अनुभक्त बनने के लिए टॉप लेवल का चूतिया बनना पड़ता है, और वैसे लोगों से बतिया के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सही खेल गए। महंगाई बढ़ रही थी और इकोनॉमी घट रही थी कोविड से पहले, तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाजपा की गवर्नमेंट के आते ही इकोनॉमी घटनी शुरू हो गई। सर ऐसे ही हुआ है, नोटबंदी की वजह से, जीएसटी जैसे लागू इन सब की वजह से जीडीपी नीचे गई, तो इस पे क्या सफाई है? देखिए अब तो कोरोना महामारी आ गई। अरे कोरोना के पहले ही जीडीपी नीचे जा रही थी, तो उसको जैसे ही सुधार करने का प्रयास कर रहे थे कोरोना आ गया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वाकई में यार, बीजेपी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गजब का ट्रेनिंग मिलता होगा जब भाई, तो ये लोग इस तरीके से चुतियापा हर जगह करते रहते हैं। पहले जीडीपी की फुल फॉर्म पूछिए। ऐसा है, पूछिए, मैं चैलेंज करता हूँ। पूछिए पूछिए, नेता है, हवा हवाई नेता है। ऐसा है भैया, आप किसी न्यूज चैनल के एंकर बन जाओ ना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अब अल्लाह भैया, जितना भी एंकर थे उनके मुंह में पैसा ठोस ठोस कर बीजेपी का प्रवक्ता बना दिए। अब जब कोई दूसरे पार्टी का प्रवक्ता बैठे हुए हैं तो उसको एंकर बनाने पे तुले हुए, अरे लोग करना क्या चाहते हैं? अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। ये देखिए पब्लिक कह रही है जीडीपी की फुल फॉर्म बता दीजिए। आप बीजेपी के नेता, आप बीजेपी के नेता, कृषि कानून की आप तीनों हम पूछेंगे, उनसे पूछेंगे। आप पूछ लो नहीं, पहले एक सेकंड। अरे आप एक सेकंड, अरे गूगल मत करो। मैं गूगल नहीं कर रहा, पता तो चलेगा। अच्छा ये कह रहे हैं कि आप तीन कृषि कानून, हाँ बताइए तीन कृषि कानून। बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन आपने जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं बताया, याद रखिएगा। पत्रकार महोदय झूठे ही परेशान है। अरे भैया जिसका दिमाग गोबर भरा लो उसका घंटा बताएगा, क्योंकि आजकल अनुभव मंडली में यही वाला पकवान बड़ा पॉपुलर है। हरामी हो बेटा, तुमने गुरु जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं बताया, लेकिन अब बता दूंगा मैं। अब तो सबने चेक कर लिया यार, अब फिर तुम अगर बताओगे ना तो मैं पब्लिक को कैमरे पे तुम्हारी गूगल सर्च हिस्ट्री भी दिखाऊंगा। गजब बेइज्जती है। अगर ये पृथ्वी लोक का प्राणी होता ना तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद श्रम से मर जाता, लेकिन ये वाकई में किसी दूसरे ग्रह का प्राणी होगा तब इतना ढीठता के साथ बैठा हुआ है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा।